नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हिंदी की हम एक जीवनी देखने वाले हैं। और उससे पहले आपको बता दूं, ई बुक जो है हिंदी की अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप वहां से खरीद सकते हैं, जिसमें अंतरा और अंतराल के, आपको बार बार बता रहा हूँ कि ई बुक जो है हिंदी, ये जो है हिंदी इलेक्टिव की है, अंतरा और अंतराल बुक की। जिसके पास आरोह और वितान है वो इस बुक को ना खरीदें। अंतरा और अंतराल की ये जो बुक है, ई बुक बनाई गई है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं वो वहाँ पर डाले गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बात की जाए आज के लेखक परिचय की, तो दूसरा लेखक परिचय है, जो लेखक हैं उनका नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनका जीवन परिचय देखेंगे, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार नाम एक बार और बता दूं आपको, पंडित चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लेखक हैं। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका लेखक परिचय का। इनका जन्म 1883 में हुआ था जयपुर में, और मृत्यु जो है वो 1922 में। ठीक है, जन्म और मृत्यु याद रखने के बाद आपको देखना है कि ये जो है अनेक भाषाओं के विद्वान थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाषाएं ये कितने सारी जानते थे। शिक्षा की बात की जाए तो ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में अच्छे थे। ठीक है, पढ़ाई में बचपन से अच्छे थे। और अब आप देखना, संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश, ब्रज, अवधि, मराठी, गुजराती, पंजाबी, लैटिन, बांग्ला और फ्रेंच, ये सारी ऐसी भाषाएं थी जिनका इनको बहुत अच्छे से ज्ञान था। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही ये कितने होशियार रहे होंगे। तो बचपन से पढ़ने लिखने में इनका अच्छा इंटरेस्ट रहा है। और ये इनका जन्म जो था, जो मैंने आपको बताया, 1883 जयपुर में, मृत्यु इनकी 1922 में। और बात की जाए आगे इनके कार्य की, क्या क्या कार्य इन्होंने अपने जीवन में किए हैं। तो गुलेरी जी जो है वो अजमेर, जो कि राजस्थान का ये एक इलाका है, गुलेरी जी जो है अजमेर के मेयो कॉलेज, एक कॉलेज है वहाँ पर जिसका नाम है मेयो कॉलेज, वहाँ पर ये अध्यापक रहे, टीचिंग की इन्होंने, फिर वहाँ पर प्राध्यापक बने, प्रोफेसर बने। उसके बाद गुलेरी जी ने ओरिएंटल कॉलेज, वहाँ के ये प्रिंसिपल रहे, प्रधानाचार्य रहे। ठीक है, तो ये काम इन्होंने अपने ज़िंदगी में किए हैं। बात की जाए रचनाओं की, क्या क्या रचनाएँ इन्होंने लिखी, कहानियाँ ज़्यादातर ये लिखते हैं, तो एक है घंटा घर, हीरे का हार, और उसने कहा था जो है सबसे प्रसिद्ध कहानी है इनकी, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं उसने कहा था कहानी के नाम से। तो अगर आप इनका जीवन परिचय लिखते हैं पेपर में तो आप उसने कहा था रचनाओं में जरूर लिखो। ठीक है, तो ये इनकी रचनाएं हैं जो कुछ मैंने आपके सामने बताई। अब आगे हम देखेंगे इनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में, इनके साहित्य की क्या विशेषताएं हैं। तो इन्होंने अपने साहित्य में समकालीन समाज, जो हमारा आज का समाज है, उसमें जो अंधविश्वास है, जो रूढ़ी है, ठीक है, जो बुराइयां हैं, जो झूठी परंपराएं हैं, आपने देखा होगा, जो मैंने इनका चैप्टर भी पढ़ाया है आपको, बालक बच गया, उसमें किस तरीके से अंधविश्वास वगैरह, और कैसे उस बच्चे पर बोझ डाला जाता है पढ़ाई को लेकर। तो जो समाज की जो आज के समय में व्याप्त बुराइयां हैं उनके ऊपर जो है ये ज़्यादातर लिखते हैं। ठीक है, तो ये इनके साहित्य की विशेषता हो गई। इनको एक उपाधि भी दी गई है जो कि है इतिहास दिवाकर। ठीक है, इतिहास दिवाकर, ये इनको उपाधि दी गई है। बात की जाए इनकी भाषा शैली की, ठीक है, कैसी भाषा होती है इनकी, जो जब ये लिखते हैं साहित्य में, तो इनकी भाषा बहुत ही आसान है और सहज है और सरल है, समझ में आ जाता है, आसानी से सामने वाला समझ सकता है। यह पाठ को गंभीरता के साथ पेश करते हैं। ठीक है, ये जब लिखते हैं इनके लेखन में एक गंभीरता होती है, और बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कितनी सारी भाषाएं इनको आती हैं, तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होने के कारण इनका साहित्य अद्भुत होता है। तो ये कुछ मैंने आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में बताया, और इनके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आपको इंपॉर्टेंट चाहिए तो वो आपको मिलेंगे ई बुक के अंदर। जीवनी आपकी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है आज एक और, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, खाली टाइम है आपके पास, इसको वेस्ट मत होने दो, प्रैक्टिस में और ज़्यादा से ज़्यादा ई बुक के क्वेश्चन देखने में और कविताओं को याद करने में अपना टाइम आप यूटिलाइज करिए, ना कि आप घर बैठकर टाइम पास करिए। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी आज की वीडियो। जल्दी ही आपको अगला लेखक परिचय भी मिल जाएगा, और भी जो हिंदी की वीडियो, अगर डाउट है कोई आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके लिए वो बना दी जाएगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।